सोशल मीडिया पर दो लोगों के केक से किंग चार्ल्स III के चेहरे पर धब्बा लगाने का वीडियो आया है। तो यहाँ क्या हुआ था मैं बताता हूँ। यूके के लंदन में मैडम टुसाड वैक्स म्यूजियम में प्रधानमंत्री मोदी, सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान आदि के जैसी प्रसिद्ध हस्तियों के मोम के पुतले हैं। ये सभी मोम की मूर्तियां हैं जो सटीक प्रतिकृति है। संग्रहालय में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की मूर्तियां भी हैं। दो प्रदर्शनकारियों ने किंग चार्ल्स III के चेहरे पर केक फेंका। प्रदर्शनकारी बेहद उग्र थे। इन दोनों लोगों को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अपराधी पर्यावरण कार्यकर्ता थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को तेल और गैस निष्कर्षण का व्यवसाय करने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन हमारा अस्तित्व खतरे में है और दुनिया का अंत हो सकता है। इसलिए उन्होंने गैस और तेल निकासी पर रोक लगाने की मांग की। लोग क्यों नहीं समझते कि पृथ्वी और मानव स्वास्थ्य की संरक्षित करना महत्वपूर्ण है? वृक्षों को काटने से हमारा दुख भी बढ़ेगा और संसार का शीघ्र ही अंत हो जाएगा। यह कोई पहली घटना नहीं है, कई हुई है। मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। पहले पेरिस, फ्रांस में मोनालिसा पर केक लगाया गया था। फिर टमाटर का सूप लंदन में एक पेंटिंग में बिखेर दिया गया था। फिर 23 अक्टूबर को मैश किए हुए आलू को जर्मनी के एक संग्रहालय में फेंक दिए गए थे। इसका कारण क्या था? वैसे यह पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। सामान फेंकने के बाद प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को दीवार से चिपका लिया। लेकिन पुलिस ने उन्हें निकाल लिया और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इतनी घटनाएं देखकर हैरानी होती है। उनके अनुसार लोग यह समझने में असफल होते हैं कि विज्ञान ने क्या सिद्ध किया है। पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में है। दुख और कम जीवन प्रत्याशा होगी। हर कोई इसे नज़रअंदाज क्यों कर रहा है? प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब हमारा पर्यावरण अधिक महत्वपूर्ण है तो लोग बेकार चित्रों को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। वे लोगों को और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रसिद्ध हस्तियों को निशाना बनाना चाहते हैं। अन्यथा उनकी हमेशा उपेक्षा की जाती है, इसलिए वे ऐसा करते हैं ताकि लोग सीखें। ओ, पर्यावरण वास्तव में महत्वपूर्ण है, इसे बचाने की ज़रूरत है।